नमस्कार जी, मेरा नाम है गौरव और मैं अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ट्रक बॉडी बिल्डर पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाटा 1918 और ये जो गाड़ी है ये है हमारे बहुत ही अजीज दोस्त खोरू एक्सप्रेस की गाड़ी और जो ये गाड़ी है ये है 18 फुट वाली गाड़ी। आज इस गाड़ी का मैं आपको फुल व्यू करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। जो इस गाड़ी में टेपर रखी गई है वो 18 इंच की टेपर है और उसके ऊपर जो हमने टूल लगाया है वो टूल है 18 इंची का टूल। और साथ में जो हम बात करें टूल के ऊपर की, ऊपर हमने गोल पाइप लगाया है और टूल की साइडों में भी हमने जो पाइप लगाए हैं वो भी 3 इंची के पाइप हैं चौर्स वाले और उसके ऊपर दोनों बोले दोनों साइड। और जो फ्रंट की बात करें, जो टूल के फ्रंट है उसके ऊपर जो रूट बोर्ड लगाया है वो है 22 इंची का रूट बोर्ड और उसके ऊपर छतरी लगाई है और उसके ऊपर आई कैट जिसमें लाटू लगे हैं। उसके बाद जो इस गाड़ी का मत्था है वो 15 इंची का मत्था है। इस गाड़ी का नाइट व्यू हमने इसलिए करवाया ताकि आपको पता लगे कि जो टेपिंग है इसमें वो कैसी लगती है गाड़ी में, रात में इस गाड़ी की लुक कैसे दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो फ्रंट शीशे हैं, इस गाड़ी के जो फ्रंट शीशे हैं वो पूरे गोर रखे गए हैं जिसके ऊपर इस्लाम जिंदाबाद लिखा है। मोस्टली ज़्यादातर गाड़ी जो वाइट शो वाली होती है उसमें येलो टेपिंग ही जचती है। और इसकी जो आगे की बात करें, जो दो हैंडल लगाए वो हमने स्टील के हैंडल और उसके साथ दो त्रिकोणे। और साथ में बात करें सेंटर की, जो सेंटर में हैवी स्टील में जिसके ऊपर टेपिंग से जुनैद लिखा है। और उसके बाद हम बात करें जो इसका गोला है, गोले के ऊपर दो प्लेटें जिसके ऊपर 3mm से आई लव माई कश्मीर कस्टमर की डिमांड से लगाया गया। और शो के ऊपर नीचे 3mm लगाई है, उसकी आप एक बार लाइट चेक कर सकते हो। और सेंटर में इस गाड़ी में मूछ जो लगाई है वो 3mm में लगाई है येलो में और सेंटर में जो टी लगाई है। उसके बाद जो नीचे की बात करें, नीचे 6 आई कैट 3mm में और साथ में जो हेडलाइट है इसमें LED हेडलाइट और उसके ऊपर स्टील की रिंग। और साथ में बात करें जो इसमें पाइप है वो 3 इंची मोटे पाइप हैवी पाइप और उसके ऊपर दो साइड शीशे जो आगे देखने में काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बम्पर की। जो इस गाड़ी का बम्पर है जो पैरेट कलर में रखा गया है और उसके ऊपर जो फुटरेस्ट है वो 5 इंची का फुटरेस्ट। और साथ में जो बात करें इस गाड़ी में जो बम्पर के ऊपर टेपिंग है जिसके ऊपर ट्रक लवर लिखा है वो भी येलो और रेड टेप में। और हेडलाइट है, जो बम्पर की हेडलाइट है उसके ऊपर भी स्टील में रिंग डाला गया और साथ में बम्पर में जो साइड कॉर्नर है वो लोहे के कॉर्नर और इसके ऊपर प्लेन टेप जिसके ऊपर फोटो लगाई है। और बम्पर की बात करें, जो नीचे बम्पर है, बम्पर में एक्चुअली नीचे कई गाड़ियों में आपने देखा होगा 3-3 पाइपें, पर इन कस्टमर की डिमांड से इन्होंने सिंपल रखा है और नीचे दो प्लेटें लगाई हैं स्टील की और उसके ऊपर जो सेफ्टी गार्ड है उसके ऊपर 3-3 बोलें स्टील की और नीचे जो स्टील है उसके ऊपर टेपिंग आप एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की। जो इस गाड़ी में साइड लुक में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो टूल है टूल के ऊपर साइड में हमने ट्राला लगाया टेपिंग से और स्टील की शाइनिंग आप देख सकते हो। और स्टील में हमने दोनों साइड स्टार लगाया। उसके बाद हम बात करते हैं जो साइड ग्लास, उसके ऊपर टेपिंग आप देख सकते हो एक बार। और जो ताकी के शीशे हैं उनके ऊपर भी मर्सिडीज के लोगो येलो टेप में और साथ में जो हैंडल है उसके ऊपर भी आप देख सकते हो रॉयल चॉइस, ये भी हैवी पाइप में। और इस गाड़ी में जो साइड में डिजाइन रखा गया वो 3 पत्तियों के साथ रखा गया और 2 खाने जिसमें 2 ही पेंट 2 ही कलर होते हैं। और इसमें हम बात करें साइड की, जो साइड में हमने मगरार लगाया वो हैवी मगरार और जो आगे का व्हील कप है उसके ऊपर आप टेपिंग देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के बॉडी की। जैसे हम बॉडी में बात करते हैं तो ऊपर की तरफ हमने चैनल लगाया
चैनर के ऊपर पाइप, और इस गाड़ी में दोनों साइड हमने सीढ़ी रखी है ताकि ड्राइवर को चढ़ने में आसानी रहे। और एक जो इस गाड़ी में हमने बॉडी शीट लगाई वो 62 किलो की बॉडी शीट है। उसके बाद हम बात करें जो टैंकी, टैंकी के ऊपर हमने अलग से लॉक लगाया और टैंकी के बाहर की साइड में हमने शीट लगाई है लोहे की, और उसके ऊपर ये कनाडा का झंडा लगाया है। कई मेरे दोस्तों का कमेंट आता है कि आपने ये कनाडा का झंडा लगाया है, आप इंडिया का क्यों नहीं लगाते? क्योंकि एक्चुअली इसके ऊपर भी रीज़न है, क्योंकि जो कस्टमर है, कस्टमर ने अपनी डिमांड पे इसमें कनाडा का झंडा लगाया। उसके बाद हम बात करते हैं पीछे के जंगले की, उसके ऊपर स्टार से टेपिंग की गई है, आप एक बार टेपिंग चेक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो बॉडी में स्टील लगाई है उसके ऊपर टेपिंग, जो कस्टमर का एड्रेस है जिसके ऊपर लिखा हुआ, और ये हमारे जो ये गाड़ी है ये हमारे खोरू एक्सप्रेस की गाड़ी है, वो एक बार आप उनका मार्का देख सकते हो। और इस बॉडी में जो पासिंग टेप रखी गई है वो है येलो टेप, क्योंकि इस गाड़ी का जो कलर है वो NP कलर है। और साथ में हमने बॉडी में 3-3 लाइटें लगाई हैं जो पार्किंग, इंडिकेटर और ब्रेक वाली है। और इस गाड़ी में जो जंगला रखा गया है वो छोटा रखा है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये 18 फुट वाली गाड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के पीछे डाले की, जो इस गाड़ी में डाला रखा गया है 30 इंची डाला हैवी डाला, और उसके साइडों में दोनों साइड स्टील लगाई है, और जो इसके संगल हैं इनको भी कवर किया गया ताकि ये रंग मत उतारें। इसमें भी गाड़ी में बैक की जालियां बड़ी रखी गई हैं जिसके ऊपर टेपिंग की गई है। उसके बाद हम ऊपर की बात करें, ऊपर इस गाड़ी में 5 स्पेयर फट्टे साल के, जिसके ऊपर टी से डिजाइन निकाला गया है, और डाले के ऊपर भी पाइप लगाई गई है। उसके बाद हम चैसी की बात करें, इस चैसी में भी हमने स्टील की प्लेट लगाई जिसके ऊपर दोनों साइड आँख का डिजाइन निकाला गया है, और जो इसकी बैक प्लेट है वो भी हैवी स्टील में जिसके ऊपर मीर एक्सप्रेस लिखा हुआ है। सेफ्टी गार्ड में भी हमने दोनों साइड 3-3 बॉलें लगाई हैं स्टील की, और 2 छोटी प्लेटें जिसमें गिफ्ट 2023 लिखा है। बाकी एक बार आप नाइट व्यू चेक कर सकते हो गाड़ी का, आपको टेपिंग और गाड़ी का काम कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के कनेक्टर साइड की, कनेक्टर साइड में भी आप एक बार पूरी गाड़ी का लुक चेक कर सकते हो, जो नाइट व्यू में आपको गाड़ी की टेपिंग, कलर और हमारा काम कैसा लगा। पीछे की साइड में भी हमने इस गाड़ी में पौड़ी लगाई है ताकि ड्राइवर को चढ़ने में आसानी रहे। एक बार फिर आप हमारे बहुत ही अजीज दोस्त खोरू एक्सप्रेस का मार्का चेक कर सकते हो, मोस्टली ज़्यादातर हमारे पास गाड़ी इनकी आती हैं। और ये फट्टा बॉक्स है, इस गाड़ी में हमने जो स्टपनी है स्टपनी के ऊपर भी कवर लगाया, वो आप एक बार चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टूल बॉक्स लगाया जो जैक वगैरह रखने के काम आता है, और ये साथ में गैस पाइप। बाकी एक बार आप गाड़ी का फुल रिव्यू चेक कर सकते हो। गाड़ी का आपको बाहर का फुल रिव्यू करवा दिया, चलो आइए हम आपको गाड़ी का अंदर का रिव्यू करवाते हैं। हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर के कैबिन की, जो इस गाड़ी में कैबिन है वो 5 छत वाला कैबिन है,
और जो जैसे सनमैक का है, ये डिजिटल सनमैक का है। उसके बाद हम बात करते हैं जो साइड में जो ये भट्ट जुनेद लिखा है, ये एलईडी और इसके ऊपर जो ये डिजाइन है, ये प्रिंट डिजाइन है। और ऊपर की बात करें, ये भी डिजाइन जो प्रिंट वाले डिजाइन है, इसके अंदर लाइटिंग है। ये एक्चुअली अगर कल को ये डिजाइन खराब, अंदर की लाइट खराब भी होती है तो ये चेंज हो जाएगी। ये जो डिजाइन है ये हमने खुलते किए हैं, और जो सेंटर का डिजाइन है ये फाइबर का डिजाइन है, और साइड में जो डिस्को है इसके ऊपर स्टील लगाई है, और स्टील की शाइनिंग आप देख सकते हो। और इसके बाद हम बात करें आगे की, आगे हमने जो ये मक्के की फोटो लगाई है और उसके नीचे एलईडी 9 इंची एलईडी पैनासोनिक की, और नीचे की तरफ हम बात करें, नीचे इसके नीचे कन्वर्टर लगाया जो मोबाइल चार्जिंग के काम आता है। और आगे की तरफ हमने इस गाड़ी में 3 बक्से बनाए हैं। और आगे जो इसका ब्लोर है उसके ऊपर भी बक्सा, और सेंटर में हमने जाली लगाई है, और इस गाड़ी में साइड में भी हमने जाली लगाई है इस बक्से के। और इस गाड़ी में भी हमने फ्रंट जो शीशे हैं वो बड़े रखे हैं, और इस गाड़ी में जो वाइपर है वो भी ऊपर की तरफ ही है। और इसका जो स्विच बोर्ड है वो भी हमने अलग से तैयार करवाया है। बाकी सामान रखने के लिए अलग से स्टैंड। पीछे की बात करें, जो इस गाड़ी में बक्सा है वो भी बड़ा रखा गया है, और जो बक्से का ढक्कन है उसके ऊपर आप स्टील में देख सकते हो स्टार का डिजाइन, और साथ में जो स्पीकर है वो जेबीसी के स्पीकर। और इस गाड़ी में जो साइड के शीशे हैं, दोनों साइड लुकिंग ग्लास वाले। और पीछे की बात करें, जो टोयोटा के ऊपर हमने सनमैके में जो इस गाड़ी में सनमैका लगाया उसी के अकॉर्डिंग इसमें ट्राला लगाया जो अलग ही लुक दे रहा है। और साथ में जो पाइप लगाया हमने हैवी पाइप जो कपड़े वगैरह टांगने में काम आएगा। नीचे सीटों की बात करें, इस गाड़ी में सीटों का लेवल आप एक बार चेक कर सकते हो। फुल रिव्यू करवा दिया। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे लक्ष्मी ट्रक बॉडी बिल्ड को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाकी थैंक यू सो मच।